The aim of practical in this video is the preparation of azo dye. These are the contents which are required. Now the students are going to perform the preparation of azo dye. She is taking aniline 4.5 ml and side by side concentrate hydrochloric acid will be also measured 10 ml. Aniline 4.5 ml le rahe hain aur concentrate HCl ki requirement 10 ml ki hai. इन दोनों सॉल्यूशन को अब मिक्स करेंगे 4.5 एनिलीन और 10 ml HCl और इसमें 10 ml ही डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे. अब इस सॉल्यूशन को हमें टेम्परेचर देना है 0 to 5 degree Celsius का, इसलिए फ्रीजिंग मिक्सर में इस फ्लास्क को हम रख देंगे ताकि टेम्परेचर जो है 0 to 5 degree के बीच में इस सॉल्यूशन को मिलता रहे. यू कैन टेक क्रश्ड आइस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्रीजिंग मिक्सर एज यू कैन सी इन द वीडियो दे आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग द फ्रीजिंग मिक्सर विद द हेल्प ऑफ आइस. साथ साथ आप सॉल्यूशन को थोड़ा स्टर भी करते रहिए. अब उन्होंने सोडियम नाइट्राइट लिया है 7 ग्राम और उसे डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं. इस सॉल्यूशन को भी आप आइस में ही रख देंगे. हर रिएक्शन का अपना अलग पैरामीटर होता है. इस रिएक्शन का पैरामीटर है कि आपको 0 to 5 टेम्परेचर के बीच में ही रिएक्शन चलानी है. सो थोड़ी देर आप उसे कूल करने के लिए रख देंगे. और साथ साथ स्टर करना ना भूलें सॉल्यूशन को बीच बीच में. अब इन दोनों सॉल्यूशन को ही जो पहले हमने एनिलीन और HCl का बनाया था और अब सोडियम नाइट्राइड का एक सॉल्यूशन बनाया है, इन दोनों सॉल्यूशन को हम फ्रीजिंग मिक्सर के अंदर ही रखते हुए मिक्स कर देंगे. धीरे धीरे मिक्स कर देंगे एंड साथ साथ कोशिश करेंगे कि रिएक्शन जो है वो 0 to 5 ही मेंटेन रहे. हर बार मिक्स करने के बाद आप उसे स्टर करना ना भूलें. नाउ बीटा नेफ्थॉल विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड 2-नेफ्थॉल, इट इज़ टेकन 7 ग्राम एंड 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड. इसमें आप वो 7 ग्राम बीटा नेफ्थॉल मिक्स कर देंगे. ये अच्छे से इसमें डिसॉल्व नहीं होगा बट जितना कर पाएँ आप अच्छे से स्टर कर लें सॉल्यूशन को. देख सकते हैं नीचे अभी कुछ रहता है, पार्टिकल्स रहते हैं और सॉल्यूशन ब्लैक कलर का, डार्क ब्लैक कलर में चेंज हो गया है. इसको भी हमने 0 to 5 degree Celsius टेम्परेचर कंडीशन दी, कूल किया एंड आफ्टर सम टाइम अब आप ये सॉल्यूशन भी पहले वाले सॉल्यूशन में ही मिक्स कर देंगे धीरे धीरे. आप देख सकते हो बीकर के अंदर, कंटेनर के अंदर ऑरेंज कलर की डाई बन चुकी है. दिस इज़ द ऑरेंज डाई, एज़ो डाई.
which we have prepared with the help of aniline, HCl, NaNO2 and beta naphthol. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे और फर्दर वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।